दोबारा मिलेगा मौका। कैसा रहा इनका ऑडिशन, आप भी देखे कुछ झलकियाँ जीनियस 24 के माध्यम से। लेकिन जैसे ही मैं परेड कर रहा हूँ तो बता ना भाई, मैंने एक पेज पे लिखो है तेरा नाम, देख लियो भरे रखे है, मेरी मताई ने इतना मारा है क्या मैं बता नहीं सकता। तो तू क्या समझ रही है, हैं? तो उसे प्यार करते हैं हम, हमारी जिंदगी ढंड कर दी तेने, हम क्या करें अब, मुंह दिखावे के लायक ना रहे। तू ही अकेली मेरी सहारो, घर वालों ने तो लाद दिया भगा था मुझे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं तू बता, हैं? जिंदगी झंड कर दी तेने, ना मैं मर सकत ना जी सकत। के बाद शर्मा जी ने, अरे खुद के पैसे का तो कदे अंडे बांट लिया को ना, मार पे हाथरी से इनके क्रेडिट कार्ड पे घूमे शराब पे और फैशन करे, मैं कंध गवार होगी, मैं तो अपने दम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। साहब मेरी बिटिया का 4 दिन से पता नहीं है, अभी तक घर लौट कर नहीं आई है, मैंने कंप्लेंट लिखाई थी लेकिन उसको कोई सुनवाई नहीं हो गई, अगर मेरी बिटिया नहीं मिली साहब मैं थाने बाहर लगा दूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को, मेरी बिटिया वापस आ दो साहब, उसकी माँ मर जाएगी साहब, रो का बड़ा हाल होगा साहब, मेरी बिटिया को मेरे पूरे गांव में बकरी चल जाएगी साहब, अगर मेरी इज्जत के गांव में दुनिया होती है साहब मैं इसी थाने में आग लगा के मर जाऊंगा साहब, इसी थाने में आग लगा के मर जाऊंगा, तेरे कारण ये माँ मर गई और तू मुझ पर इल्जाम लगाता कि तुम्हारे कारण माँ मरी है। ठीक है बेटा, मैं जैसा भी पूरा अपना गुजर बसर कर लूंगा, लेकिन तू मन की अपने करके रहे, तू कर ले मन की, तो दिखाया है तो कर। हमारी बारी आई तो साले जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिया, तो आज से हम भी बदलेंगे, हमारे रास्ते जिंदगी है वास्ता सबसे होगा, लेकिन रास्ता किसी से आगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखो आगे, अभी थोड़ी देर में लटका देंगे मेरे को, क्या होगा कुछ नहीं, तुम लोग घर चले जाओगे, खाना खाओगे सो जाओगे। अंजलि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये होने नहीं दूंगा, इस जन्म में तुम मेरी होगी, लड़े ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मनाए, बेटिया जब उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, झांसी तो आप भी चाहते और मैं भी, पर कितना है आप राज करना चाहते और मुझे अपनों की सेवा और फूलन देवी बन के चारों तरफ सबकी मर्दों की बाहों में झूलेगी, तुम तो मर गए दादा मगर तुम्हारी फूलन देवी हर रोज मरती है, आप फूलन देवी को माफ कर दियो दादा, माफ कर दिए, ये आपने जमानत हिंद ग्वालियर को बचाने के लिए हमने अगर उनका साथ दिया तो क्या गलत किया, इसके बाद हमसे कहा जाता है हम गद्दार हैं, उनसे हम पूछते हैं कि हम गद्दार क्यों, इसका प्रमाण लाए कि हमने झांसी की रानी का साथ नहीं दिया इसलिए गद्दार थे, क्योंकि कौन नहीं चाहता अपने मुल्क को बचाना, अपने देश को बचाना, अपने ग्वालियर को बचाना, हम गद्दार नहीं है, जो कोई कहता है हमारे सामने। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चीनू लव यू, तुम मुझसे बोल सकते थे ना, तुम मुझसे बोल सकते थे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि चीनू लव यू, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, लोगों को मारने में सबसे ज्यादा मजा आता है, जिन्हें जिंदगी की परवाह होती है मौत को चकमाने के बाद, पहलो की तरह शादी के गवाह है कि मोहब्बत का दामन हमेशा आंसुओं से ही भीगता रहा है, तारीख गवाह है कि मोहब्बत का दामन हमेशा आंसुओं से भीगा रहा है, हीर रांझा लैला मजनू, शिरीन फरहाद रोमियो जूलियट, इन सब की मोहब्बत एक दास्तां बन के रहेगी, जे तुम ठकुरन का हिमायती हरामी मनु सिंह जई की सारी चादरों, आज के बाद जो आदमी जाकर साथ दो बाकी पूरे खानदान को काट के रख। सर आज पहला दिन था ऑडिशन का ग्वालियर, ये एम्बियंस होटल रेलवे स्टेशन ग्वालियर के पास, सुबह 11 बजे से हम ऑडिशन कर रहे हैं, करीब अभी तक 100-150 लोगों का हो गया ऑडिशन, 100-150 अभी होंगे और
बाकी तो कल हम लोग पूरा दिन करेंगे, कोशिश करेंगे कि दो दिन में वाइंड अप कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं तीसरा दिन भी देना पड़ जाए। काफी भीड़ थी और काफी भीड़ है बाहर, चाहते हैं सबको मौका मिल जाए एक बार। 99% रॉ है और वो कुम्हार कच्ची मट्टी लेके आता है तो घड़ा वड़ा बनाता है, वो कुम्हार की जरूरत है उन लोगों को। शायद मेरे ख्याल से इनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं होंगी, यहाँ छोटे से स्टेट में, बॉम्बे में होते तो ये क्लासेस करते हैं कुछ करते तो, लेकिन बहुत ज्यादा और एक्टिंग करवानी पड़ेगी इनसे। वैसे